बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और रास्ते मुस्कुराते रहे। जी तो इस नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और जिस बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो शुरू। आज मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं बहुत ही दूर से। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे करते रहें, दिल खुश हो जाता है इंसान का। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। और यहाँ पे दादा जान भी आ गए और आयत फातिमा अबू जी को बहुत तंग कर रही है। क्या हुआ? अब मुझे देख लिया, मुझे देख लिया भाग रही है। तो दादा जान आप कहाँ गए थे? आप बाहर गए थे। अच्छा बाहर गए, कह रहे मैं बाहर गया था। चलते अबू जी के पास। आयत फातिमा आप बैठ जाओ यहाँ पे, आप बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। फट गया इसका, कहते मुझे नया ला के दो। अच्छा तो इसलिए रो रही है ये गुब्बारे लेके आई, ये फट गया तो अभी जो कहती है कि मुझे और लेके दें, इसलिए इस अबू को तंग कर रही है। आयत और लेके दूं? कल मैंने इसको धो दिया, ये मट्टी मट्टी हो रहा था और सूखा नहीं था क्योंकि सर्दी की वजह से। फिर जो ये सुबह रो रही थी कह रही मुझे शूज पहनाओ शूज पहनाओ, तो अभी इसने देखे तो खुश हो रही है, मिल गया शूज, ओए मिल गया है, अब खुश हो रही है। रो रही थी कि मुझे पहनाओ 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 जल्दी करो। और दादा दादा जान को दिखा रही है कि मेरे शूज जो हैं मिल गए हैं, अब दिखा रही है आपको। अरे चलो अंदर रख के आओ, चलो जाओ 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 जाओ। जी तो मेरे ख्याल में हमारे मेहमान भी आ गए हैं, माशाल्लाह भाई हैं ये भी, फुफ्फोजात भाई हैं मेरे शोहर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो? चलो ठीक हो, खुश रहिए। अम्मी ठीक सी तेरी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है यार। कहां से आ रहे हो? आए मामू को सलाम करो। घर से आ रहे हो? सलाम करो मामू। साफ जरिया जब थैला उठा के लाए तो घर से ही आ रहे होंगे। ये क्या है भाई? मछली भी लेके आए हैं हमारे लिए। हमारे लिए ले आए किसी और के लिए? तुम्हारे लिए लेके मेरे लिए लेके आए। आज जो तुम्हारे आया मछली भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। अच्छा कह रहे मैं आपके घर में जो आए तो मछली भी आपके लिए लेकर आया हूँ। आयत क्या हुआ? मामू है, मामू मछली को मैंने अभी इधर ही रख दिया है। मैंने कहा पहले पानी तो पूछूं उनसे, पहले मैंने भाई को पानी पिला दिया। ये फुफोजात भाई हैं मेरे शौहर के और मेरे भी भाई हुए, तो जो है ये अपने घर से आ रहे हैं। अभी हमारे लिए मछली भी लेकर आए हैं, अभी उसको भी मैं खोलती हूँ देखती हूँ। जी 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 क्या हुआ? पानी चाहिए? पानी चाहिए? ये लो आयत फातिमा को भी पानी चाहिए। और अबू जी की अभी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी धूप लगवाते लगवाते अभी बैठे हुए हैं, सुकून फरमा रहे थे तो आयत फातिमा ने उठा लिया, चादर ओढ़ के सो रहे थे। आयत फातिमा ने आके तंग किया है अबू जी को कि जो उठें और मुझे गुब्बारे दिलाएं, और फाड़ दिए पहले वाले और अभी कह रही मुझे और दिलाएं। जी क्या हो रहा है? मसाले देख रही थी, मैंने कहा कि मसाले देख लूं, अभी गोश्त मंगाऊं, मेहमान आए हुए हैं क्योंकि अभी खाना तो बनाना है दोपहर का टाइम है। आज बुध है, मेरे ख्याल में बड़ा गोश्त तो नहीं मिलेगा, मुर्गी तो वो घर में भी खाते हैं। और जो है अभी हमारे लिए जो लेके आए हैं मछली, तो मैं क्यों ना यही सोच रही हूँ कि मछली ही बना। मैं तो कहता हूँ ताज़ी है फ्रेश, उसी को अभी बना लो ताकि इसी बहाने से मेहमान के बहाने से हम भी खा लेंगे। तो अभी बना लो आप, इसी को बना लो क्योंकि आज बुध है, बड़ा गोश्त वैसे ही नहीं मिलेगा, मुर्गी वैसे अच्छी नहीं लगती, तो आप इसी मछली को ही तो बना लो। घर में भी खाते हैं लेकिन ये जो है मैं कहती मछली बना लेती हूँ। ओके करो जी बिल्कुल। आया ठीक है तो अभी चलते हैं मछली बनाते हैं। मछली खोलती हूँ। अभी इसको छीलते हैं। जिंदा है? जिंदा? हाँ मैं नहीं उठाऊंगी, अबू को बोलूंगी अबू जी को कहती हूँ कि वो साफ कर, मैं नहीं करूंगी मुझे डर लगता है। यहाँ पे मैं रख देती हूँ अबू जी को सब चीजें, अबू जी बैठ के जाना उसको छीलेंगे, मैं नहीं छीलूंगी मुझे डर लगता है। अभी वो कहाँ ले गए कुर्सी? आयत फातिमा कहीं ले गई है, नीचे पड़ी है। ये देखो पड़ी है नीचे, घुसा दिए अबू इधर बैठेंगे। चोका ले हो ना? अच्छा इसके साथ छुरी ले आई हूँ मैं। या अल्लाह
देखें कैसे बना रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा था। खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, मुझे डर लगता है इसलिए तो मैंने अब्बू को बोला कि आप बना दें और मैं जो है फिर दो खुद लूँगी। अभी आप इसको काट दें, मुझे मुझे ये जिंदा थी इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो मैं चलती हूँ मसाले बनाने के लिए, मसाले बना लेती हूँ। मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो चुका है, मछली भी धो ली है ये देखें माशाल्लाह, और मसाले वगैरह भी मैंने तैयार कर लिए हैं, मसाले इधर भी रख दिए हैं और किचन सेट कर लिया है। अभी मैं बैठ गई हूँ पकाने के लिए और जो है भाई लेने गए हैं चावल, और जो मैं आज मछली वाले चावल बना रही हूँ। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और पुलाव जो है मछली वाला वो भी ज़बरदस्त बनाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी डालते हैं घी और इसमें है सब्जी की वजह से घी भी जमा हुआ है। घी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं डालती हूँ प्याज, और यहाँ पे आयत फातिमा को भी भूख लग रही है मेरे ख्याल में। अभी मैंने बोला पी लो पी लो तो कह रही नहीं अब भूख लग गई है। अभी प्याज लूँ बिस्मिल्लाह। सलाद का सामान भी आ गया, अभी मैं चावल धो देती हूँ और फिर मछली जब फ्राई कर लूँगी उसके बाद चावल। अम्मी जी धोने जा रही हैं चावल, कह रही मैं धो देती हूँ यहाँ पे तो साफ करके, और इधर मैं मसाले बना लेती हूँ। जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है तैयार हो चुका है, अभी मैं डालूंगी मछली बिस्मिल्लाह। ये मछली को जो है अच्छी से थोड़ा 5-10 मिनट भून के ना फिर मैं पानी छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर चावल डालूंगी। आप देख रहे होंगे मसाला ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें मैंने चावल भी अभी डालने हैं। अभी इसको ऐसा ऐसा से करूँगी ताकि ये टूट ना जाए, ये ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी मैंने डाल दिया मछली में ये देखें, और जो है अभी पानी में जोश भी आ रहा है, तो गैस जो है मैंने फुल खोल दिया है। जैसे जो है जाएगा तो यहाँ पर अम्मी जी ने चावल भी धो के रख दिए हैं, फिर मैं चावल डाल दूंगी। अभी मैं साथ साथ जो है सलाद भी यहाँ पे बैठे बैठे सलाद भी बनाऊंगी, अभी बनाना शुरू कर देती हूँ, इधर भी काम होता रहेगा और ये भी मैं करती रहूंगी। अम्मी जी यहाँ पे प्याज काट रही हैं सलाद के लिए, और जो है मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं चटनी बना लेती हूँ। जी ओए क्या हुआ बी, कैरी कुछ पाँव पे लगा है इसके। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का जोश अच्छे से आ गया है, अभी मैं चावल डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह चावल अभी मेरे दम पे आ चुके हैं, और अभी इसको देती हूँ मैं दम और फिर सलाद बनाऊंगी। देखिए माशाल्लाह खुशबू आपको प्यारी आ रही है मुझे तो आ रही है। दम के लिए चावल मैंने रख दिए हैं, अभी मैंने कहा है कि मैं जो है रायता बना लेती हूँ। इसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च और नमक डाला है दही में,
खाया था। हमारा अच्छे से बन गया है। अभी मैं खीरे भी रखे हैं, इनको भी मैं छीलती हूँ। क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल तैयार हो चुके हैं। 20 मिनट का दाम आ चुका है। अभी आयत फातिमा कह रही है कि ये मुझे दो, मैं उठाऊंगी, इसलिए ये रो रही है। आयत आप चमचा उठा लो, ये लो। चलो जी चलते हैं, मेहमान इंतजार में। बिस्मिल्लाह। अभी साइम भी आ चुका है और मेहमान भी आए हैं, माशाल्लाह बैठ गए हैं। तो अभी सर्व करते हैं, सबको देते हैं। जी जी जी। ये देखे मछली साबुत साबुत है, शुक्र है टूटी नहीं है। चावल में ना क्योंकि कांटे, इस मछली में ना कांटे होते हैं, तो इसलिए जो है फिर इसको संभालना पड़ता है कि कहीं ये चूरा चूरा ना हो जाए पानी में ना, इसलिए। मेहमानों को खाना दे दिया है, अभी मेहमान शुरू करने वाले हैं। क्योंकि कैमरे के आगे जो ना जितना भी इंसान हिम्मत वाला हो तो शर्मा आ जाता है, उनको शर्म आ रही है। अभी वो खाना शुरू करते हैं, तो फिर बाद में आपके साथ जो भी होगा शेयर करेंगे। अबू जी अभी आयत को उठाए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबने खा लिया है। अभी हफ्सा की बारी है। हफ्सा आ चुकी है और हफ्सा अभी खाना खाएगी। और मेहमानों ने फरमाइश की कि हम लोग बोतल नहीं पियेंगे, हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी चलते हैं चाय बनाते हैं उनके लिए। तो अम्मी आज क्या बनाया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैंने बनाया मछली वाला पुलाव। खाओगी? नहीं, इसको मछली नहीं अच्छी लगती। जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय को भी जोश आ रहा है। और मेहमान वहीं पे दस्तरखान पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा आप 5 मिनट बैठे, मैं अभी चाय लेकर आ जाती हूँ, चाय पियेंगे तो फिर गपशप करेंगे इंशाल्लाह। हफ्सा को खाना दे दिया, हफ्सा भी खाना खा रही है। मैंने पहले चाय बना लू उनके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय मेरी तैयार हो चुकी है। अभी देते हैं चाय मेहमानों को। चलते हैं जी चाय देते हैं। मेहमान इंतजार में ही बैठे हैं चाय के अभी तक। आयत कह रही है दादाजान को के चाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी तो अभी चाय भी आ चुकी है हमारी और मेहमानों के साथ गपशप भी लगी हुई है। यहीं पे वीडियो का करते एंड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।